राज्यपाल सिंह यादव दे रहे हैं महाभारत का उदाहरण। उनका कहना है, पांडवों ने तो मांगे थे 5 गांव, मैंने मांगा सम्मान, तो मुझे क्यों नहीं दिया गया। समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को पहली बार ताल ठोकते हुए कहा, वह धर्म युद्ध में उतरे हैं, जो कदम आगे बढ़ गए वो पीछे अब नहीं हटेंगे। 2 साल से था इंतजार, सम्मान मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेताजी के आशीर्वाद और वार्ता के बाद ये मोर्चा बनाया है, जो अब सामाजिक न्याय और परिवर्तन की लड़ाई लड़ेगा। राष्ट्र बौद्ध शोध संस्था में आयोजित श्री कृष्ण वाहिनी राज्य सम्मेलन में शिवपाल सिंह यादव ने कहा, सपा के राज्य जयंती समारोह में मंच पर मैंने सिर्फ यही कहा था, मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सम्मान। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। पांडवों ने तो मांगे थे 5 गांव, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा। अभी तक बहुत सारे लोग दुविधा में थे, अब मोर्चा का ऐलान हो गया है, सब मिलकर लड़ेंगे, देश प्रदेश के गरीब जनता की तकदीर बदलेगी। उन्होंने कहा है, राष्ट्र प्रदेश मंडल जिला स्तर पर संगठन का विस्तार किया जाएगा। शिवपाल ने महाभारत का उदाहरण दिया है और कहा है, धर्म युद्ध में हमेशा जीत सत्य की होती है। इस युग में भी कुछ लोगों को सत्ता का मत है, महाभारत की तरह इस बार फिर से धर्म युद्ध होगा, ऐसे लोगों का अहंकार घमंड टूटेगा। मंत्री कमल यूसुफ ने कहा है कि 2022 को शिवपाल सिंह ही बनेंगे मुख्यमंत्री। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे ST न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस घंटे को, ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरें।